अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आप लोगों की ईद कैसी गई? सबसे पहले ये बताइए, आज ईद का दूसरा दिन है, मतलब बासी ईद है, सेकेंड ईद। तो मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि ईद एक ही दिन की होती है, हो गई कुर्बानी, हो गया अम्मी लोग से मिल ली, मेरी ईद कंप्लीट हो गई। और है ना, आज बाहर डीजे बज रहा है तो शायद उसकी आवाज आ रही होगी, इसलिए ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर रही थी कि बहुत ढम 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 बज रहा था ना, तो मन ही नहीं कर रहा था जरा भी ब्लॉग स्टार्ट करने का। मेरी आवाज से ज्यादा वो आवाज आती है फिर तो ऐसा है। मेरी ईद अम्मी अब्बा से मिलके कंप्लीट हो जाती है क्योंकि मैं और कहीं जाती ही नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड कहीं घुमाने नहीं ले जाते बाहर, या ऐसे नॉर्मली कभी मूड हो गया तो लेके चले जाएंगे, लेकिन त्योहार बरात पे ऐसा कहीं भी नहीं जाते लेके। बासी ईद भी ऐसी नॉर्मल डे जैसी है। आप लोगों की ईद कैसी गई वो बताइए। मेरी तो देख ली आप लोगों ने, मेरी ईद हो गई थी जब मैं अम्मी के घर से कल वापस रिटर्न आई, तो बस हो गई ईद हम लोगों की। और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी तो मैंने वो जो ओट्स थे ना जो घर के अंदर खत्म हो गए, लास्ट है जो मैं ग्रोफर से मंगाती हूँ ना ओट्स, वही दूध में भिगा के मैंने ले लिए, यही खा लेती हूँ, बहुत जोर की भूख लग रही है। तो ऐसा ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया, शाम का वक्त हो रहा है, तो खैर मैं ये खा के आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ, जब तक के ना आप लोग वो देखिए, कल है ना ईद के दिन है ना, अम्मी की दहलीज पे ना वो पिपड़ी बजाने वाले अंकल आए थे, इतनी अच्छी पिपड़ी बजा रहे थे ना, मतलब गाने की फुल टू, मतलब इतना अच्छा बजा रहे थे ना, क्या बताऊँ, गली में बच्चे लोग चिल्ला रहे। तो अम्मी ने उनको बिठाया, शिरकुरमा खिलाया, पैसे दिए, देखिए वो कितना अच्छा बजा रहे थे, ठीक है। हमने उनको कैप्चर भी किया, हमने उन लोगों को, और याज ने उनको ये भी बोला कि अंकल आपकी वीडियो निकालू क्या, यूट्यूब पे डाल दिया। तो वो बोलते क्या होता है वो, तो हम लोग बोले इंटरनेट होता है वो, तो बोले हाँ हाँ चलेगा ना, तो हम लोग ने उनको शूट किए। तो देखिए आप लोग बताइए कैसा लगा, आप वो देखिए, मैं जब तक ये खाती हूँ। ओके बजाया अंकल ने, अच्छा बजाया ना, बहुत मजा आया सच में। हम लोग ने तो रिपीट बार कितने बार देख लिए वो क्लिप, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा बजाया उन्होंने, एक्चुअली बहुत बजाए थे। तो मैं वहां से हॉल से उठ के यहाँ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि वो ना डीजे बहुत जोर का बज रहा है, ढम ढुम ढम ढुम, बहुत ज्यादा ही आवाज आ रही है, तो ऐसा है। हाँ, और वो मैंने इसलिए बोला ना कि मैं कहीं जाती ही नहीं, तो इसके लिए मैं अम्मी के इधर जाती, कुछ एक दो लोग है, एक दो नहीं है, बहुत है, दो चार के दस है, दस से भी ज़्यादा है, जिनको थोड़ा तकलीफ होता है कि उठे छुटे अपनी माँ के दर चले आती है, और कहीं तो जाती है नहीं, त्यौहार बरात में भी अपनी माँ के दर चले आती है, तो माँ के दर ही जा रही हूँ और किसके घर पे जा रही हूँ, अच्छी बात है ना, माँ बाप लोगों की दुआ लेने जाती हूँ और क्या। और मैं कहीं नहीं जाती, सच में नहीं जाती, नहीं लेके जाते मेरे हस्बैंड कहीं भी, तो क्या करूँ, तो जाऊँगी ना त्यौहार के दिन अम्मी के घर पर तो जाऊँगी ना, तो ऐसा है। ओके, और अभी मैं जा रही थी किचन के अंदर, थोड़े बर्तन है वो धो लेती हूँ, पानी भर लेती हूँ बोतल में, और फ्रिज से गोश्त निकाल के रखती हूँ। आप लोग बोलते हैं ना मटन नहीं बनाती, मटन नहीं बनाती, तो बस आज मटन बनाने जा रही हूँ, हरे मसाले में बनाऊँगी। ग्रीन चिकन मुँह से निकल रहा था, ग्रीन चिकन नहीं, मतलब हरे मसाले में बनाऊँगी आज चिकन मटन, और वही सालन से मैं भी आज खाना खाऊँगी, देखना। और मेहंदी का कलर देखिए ना कितना डार्क हुआ है ना, ये देखिए मस्त लग रही है। तो चलिए थोड़ा काम कर लेते, फिर बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। पीछे तो कितना बारीक अगर डिज़ाइन लगाओ तो ज़्यादातर दिखता नहीं है मेरा, तो इसके लिए मैंने ऐसी नॉर्मल डिज़ाइन लगा ली थी, लेकिन आगे अच्छा कलर आया। तो चलिए थोड़ा काम कर लेते, उसके बाद चेंज करके थोड़ा बाहर जाती हूँ, मसाला लेके आती हूँ,
कोतमीर नहीं है घर में, वो भी लेने का है। पचास और 5 रुपए की मिर्ची, आज भी मेरा पचका होते होते बचा है। मैंने बोली मैं हरे मसाले का सालन बनाऊंगी, और कोतमीर मार्केट में मिली नहीं रही थी, 5-6 जनों के पास नहीं थी, सिर्फ 2 ही जन के पास थी, तो मुश्किल से मुझे मिली है। लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी कोतमीर मिली है, जो मुझे अच्छी लगती है वही मिली है। मुझे बड़े पत्ते वाली जो कोतमीर होती है ना, मतलब कोरिएंडर, वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। जो बारीक पत्ती वाली होती है ना, वो अच्छी लगती है। और इसमें ना दोनों भी मिक्स है। चलो खैर, जो भी है मिली तो सही, वरना मेरा आज भी पचका हो जाता था और आज मैं ग्रीन सालन नहीं खा पाती थी। पता है, मैं मार्केट में वही सोच रही थी मैं क्या बोलूँगी अभी आप लोगों को आके, कि मेरा फिर से मतलब मैं जो बोली वो नहीं पका पा रही हूँ। खैर, अल्लाह का करिश्मा और अल्लाह का करम, मिल गई मुझे कोतमीर। और यहाँ पे मैं कोतमीर को काट रही थी एक्चुअली, कि आधा मसाले में डालूंगी और आधा ऊपर से डालने के लिए रखूंगी। तो यहाँ पे मैं मसाले में ले रही हूँ अदरक, लहसुन, कोतमीर, हरी मिर्ची, ज़ीरा और गरम मसाला। गरम मसाला मैं इसमें से, मैंने बोला ना, ये जब तक ये डब्बे का गरम मसाला ख़त्म नहीं होता मैं इसमें नया भरूंगी नहीं, तो बस मैं उसी में से छाट रही थी लौंग। एक्चुअली लौंग का कैसा है पता है, जब तक के वो लौंग में, वो जो लौंग के ऊपर नहीं क्या वो गोल गोल होता है, वो उसके बिना लौंग ज़्यादा मतलब मैं नहीं डालती, वो चुन के ही डालती हूँ। वो डालूंगी तो ही टेस्ट मुझे आता है सालन में, तो ऐसा है। और यहाँ पे मैं दालचीनी भी ऐड कर रही हूँ। मैंने गरम मसाले में ऐड किया है लौंग, दालचीनी, काली मिरी, ज़ीरा और छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बड़ी इलायची मेरे पास है नहीं, और अगर होती भी तो आज मैं नहीं डालती, क्योंकि मेरे को पता नहीं बड़ी इलायची से ऐसा लगता है ठास लगती है मुझे, तो ऐसा है। बहुत कम, बहुत रेयर मैं बड़ी इलायची यूज़ करती हूँ। खिचड़ी वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ अक्खी, लेकिन पीसने में थोड़ा डर लगता है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे मैं मसाला पीस लेती हूँ। तो मेरा मसाला रेडी हो गया, मेरा नहीं मतलब गोश्त के सालन का मसाला रेडी हो गया। इसमें ज़ीरा, गरम मसाला, कोतमीर, अदरक, लहसुन, मिर्ची, ये है गरम मसाला, जो आपको चाहिए वो डाल सकते हैं, मुझे जो चाहिए था वो मैंने डाल दी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी हल्दी की, सुन में आ रहा है डीजे बज रहा है, हल्दी और धनिया बस, और कुछ नहीं डालने का। और इसको मैं पीस देती हूँ। और यहाँ पे 2 कांदे काटूंगी और 2 छोटे छोटे, एक बड़ा और एक छोटा टमाटर काटूंगी, ठीक है, तो ये फ्राई करने के लिए। और ये बताती हूँ, ओके। और यहाँ पे मैंने गोश्त को अच्छे से वॉश करके रख लिया है ना। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा लिया है, उसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गरम हो जाएगा तो मैं उसके अंदर तड़के में सिर्फ तेज पत्ता ऐड करूँगी, और उसके बाद मैंने ऑनियन ऐड कर दिया है जो मैंने काटे थे, जो मैंने बताया आप लोगों को, और इसको मैं अच्छा रेड करूँगी। और जब तक ये रेड होता है तब तक के मैं यहाँ साइड में अपने टमाटर काट ले रही हूँ। टमाटर को भी बारीक बारीक काटना है तो वही कर रही हूँ। और टमाटर काटने के बाद
जब ये लाल हो जाएगा तो मैं इसके अंदर वो जो मैंने नहीं हरा मसाला पीस के रखा है ये पूरा मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मतलब मैं गोश्त की बोटियाँ नहीं खाती हूँ, बकरा ईद में और ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। बाकी नॉर्मली मुझे अगर कोई मेरी फेवरेट जगह से कबाब खाने बोले ना, मैं एक ही जगह का कबाब बहुत शौक से खाती हूँ बचपन से, वहाँ का कोई कबाब ऑफर करता है तो मैं मना भी नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं मीट नहीं खाती हूँ, खाती हूँ, अपने ही हाथ से बना के अपने हाथ से वॉश करती हूँ तो खाने का मज़ा आता है, वरना मैं नहीं खाती और ज़्यादा करके नहीं ही पकाती हूँ मैं तो। ऐसा है क्योंकि ना बाबू भी नहीं खाते, एक टाइम खाएंगे तो रखा रह जाता है, फिर खाते नहीं, तो ऐसा है। और यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से मैंने भून लिया था, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये टमाटर, और टमाटर के बाद थोड़ा सा नमक, और साथ ही साथ मैंने ऐड कर लिया इधर पे आलू, और आलू के साथ मैंने ऐड कर लिया जो मैंने मटन वॉश करके रखा था, वो सबको मैंने एक साथ ही ऐड कर दिया, और उसको मैं अभी ढक ढक के भूनूंगी। कम से कम मैं इसको 5 से 7 मिनट ऐसे ही भूनती रहूँगी, 5 से 7 मिनट के बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो पानी ठंडा ऐड नहीं करना है, उसको मैंने एक लोटे में पानी लेके गर्म करने के लिए रखा है, और जैसे ही वो गर्म हो जाएगा तो वो पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। उतना पानी ऐड करना है कि आपके कुकर की सीटी होने के बाद गोश अच्छे से सूख जाए और गल जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरी सीटियाँ हो गई कुकर की, और कुकर खुलने के बाद सालन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी इसमें बिल्कुल भी ऑयल तो दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि कुकर की सीटी हो रही थी और मैंने कुकर खोला है, और अभी इसको गैस ऑन करके दम पे रखना है। मैं यहाँ पे गोश्त चेक कर रही थी गला के नहीं, अब इसको मुझे दम पे रखना है, और ये दम पे रखने के बाद आफ्टर ऑल ये बकरे का गोश्त है तो ये थोड़े वक्त के बाद इतना ऑयल छोड़ेगा कि एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ मैं इतना गोश्त के सालन में मेरे ऑयल दिखता है। तो यहाँ पे मैंने कोरिएंडर ऐड कर दिए, अब ये दम पे पकेगा और इसमें ऑयल आ जाएगा, खुद ब खुद तरी बन जाएगी, तो ऐसा है। तो आइए खाना खाने आप लोग भी। सो पक गया मेरा खाना, बट मैंने अभी खाना नहीं खाई, और उज़्मा से आज आप लोग नहीं मिल पाएंगे, उज़्मा से आज आप लोग नहीं मिल पाएंगे, बताओ क्यों? क्योंकि वो दोपहर से नहीं, एक्चुअली वो आज 5:30 बजे के टाइम पे कुछ अम्मी के इधर गई थी, सुबह से नहीं गई थी, और आई वो 8 बजे आई, लेकिन वो आई रास्ते में ही सो गई, तो सो रही है वो अभी। वो रात को है ना बहुत मुझे परेशान करने वाली है, क्योंकि वो अपनी नींद पूरी करके उठने वाली है, ठीक है। और यहाँ मैं ये बताना भूल गई, मैंने ये नहीं किया वो 20-20 रुपीज़ वाले मैंने 8-10 कान के ली थी, उसमें का एक ये भी है। कैसा है? अच्छा है ना? कैसा लग रहा है? ये देखिए अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तो मैंने ऐसी पहन ली थी, बाजार गई थी ना बाहर कोतमीर लेने, और कोतमीर भी नहीं मिल रही थी ऊपर से, तो ऐसा है। तो उज़्मा से तो आज आप लोग नहीं मिल पाएंगे, वो सो रही है बाहर बाबू के साथ बाजू में लेटी है, वो सो रही है, बाबू लेटे हुए वो टीवी देख रहे हैं। और मैं चाह रही थी ये व्लॉग को एंड करके मैं इसकी एडिटिंग कर दूँ उसके उठने से पहले, ताकि आप लोगों को कल टाइम पर मिल जाए, और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो ठीक है, आज का व्लॉग बस इतना ही, कैसा लगा ज़रूर बताना, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर पसंद आया तो। ओके, मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना, बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो सॉरी आज मैं उसमें से आप लोगों को नहीं मिला पाई, उसके लिए बहुत 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 तहे दिल से सॉरी कहती हूँ। फिर भी एक छोटी सी झलक दिखाऊँ क्या? मैं सॉरी हूँ, ठीक है, मैं बताती हूँ। तो देखे आप लोग ने, वो बच्ची सो रही थी ना इसलिए नहीं दिखा रही थी, लेकिन फिर मेरा मन किया मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो वो लोग नाजिया क्या आज उज़्मा से नहीं मिलाई, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे सोते हुए बच्ची का ना वीडियो मत निकाला करो, फोटो मत खींचा करो, तो लोग भी सही बोल रहे थे, लेकिन मेरा भी दिल नहीं मान रहा था आप लोग उसको देखे बिना ये ब्लॉग कैसा जाएगा, तो इसलिए मैंने दिखा दी, इसलिए ज़्यादा नहीं 5-6 सेकेंड ही दिखाई हूँ। तो खैर दुआओं में याद रखना, बहुत गर्मी हो रही है। चलिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, ओके बाय।